एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पूर्ण बहुमत में है। ऐसे में बीजेपी का अजीत पवार को साथ लाना, 9 मंत्री पद देना सबको चौंका गया। अजीत पवार की बगावत के बाद सवाल ये भी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में पावर पॉलिटिक्स की क्यों जरूरत पड़ी। राजनीति के जानकार इसके पीछे चार प्रमुख कारण बताते हैं। पहला, शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायक अयोग्य ठहराए जाते हैं तो सरकार अल्पमत में ना जाए। दूसरा, विपक्षी एकजुटता की कवायद को पंक्चर करने का प्लान। तीसरा, महाराष्ट्र चुनाव पर नजर। और चौथा, एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को मिल रही सहानुभूति के कारण नुकसान की भरपाई के लिए कुनबा बढ़ाने की कोशिश। विधायक आयोग हो तो भी सुरक्षित रहे सरकार। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना विधायकों ने बगावत कर दी थी, जिसके बाद उद्धव सरकार को शिवसेना में बगावत के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। शिवसेना की ओर से 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए स्पीकर ने शिकायत भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पीकर से विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए कहा था। ऐसे में ताजा घटनाक्रम को स्पीकर के फैसले लेने, विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की स्थिति में सरकार सुरक्षित करने की कवायद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्षी एकजुटता को पंक्चर करने का प्लान। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद चल रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना एक साथ चुनाव मैदान में थे, तब एनडीए को 41 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 1 और एनसीपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 1 और 1 सीट पर निर्दलीय को जीत मिली थी। विपक्षी एकजुटता की कवायद में भी जिन राज्यों पर विपक्ष का मुख्य फोकस था उनमें यूपी, बिहार और बंगाल के साथ ही महाराष्ट्र में भी था। लोकसभा सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र यूपी के बाद देश का सबसे बड़ा राज्य भी है। ऐसे में बीजेपी के सामने शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने से मिलकर मुश्किलें खड़ी ना कर दे, इस खतरे को कम करने की कोशिश से भी अजीत पवार की बगावत को जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश के साथ लीड रोल में थे पवार। नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही कवायद के तहत पटना में एक बैठक हो चुकी है और दूसरी बैठक 13-14 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में होनी थी। शरद पवार इस कवायद में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। पटना की बैठक में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल और अमर अब्दुल्ला के बीच तीखी बहस हुई थी, तब भी पवार ही थे जिन्होंने अपने और उद्धव के साथ आने का उदाहरण देते हुए सबको शांत कराया। पवार ने ही शिमला में 12 जुलाई को तय बैठक की तारीख और जगह बदलने का ऐलान भी किया था। बीजेपी के नजर महाराष्ट्र चुनाव बीएमसी पर। बीजेपी को अजीत पवार के साथ से बीएमसी की सत्ता का रास्ता भी नजर आ रहा है। बीएमसी में शिवसेना के पास बहुमत था। माना यह जा रहा है कि बीएमसी के चुनाव लोकसभा चुनाव के पहले भी हो सकते हैं। बीएमसी चुनाव में बीजेपी केवल शिवसेना शिंदे गुट के भरोसे नहीं जाना चाहती। सत्ताधारी गठबंधन की नजर बीएमसी की सत्ता पर है और एक वजह यह भी है कि बीएमसी चुनाव में अगर सत्ताधारी गठबंधन हारता है तो पूरे महाराष्ट्र में अलग संदेश आएगा। बीजेपी नहीं चाहती कि इस तरह की परिस्थितियां बने। अजीत पवार की मुंबई एनसीपी पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। अब ऐसे में बीजेपी को लगता है कि अगर उनके आने से वोट में मामूली इजाफा भी हुआ तो एनडीए बीएमसी की सत्ता पर भी काबिज हो सकता है।